हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर आशीष बंसल आई डॉक्टर कैटरेक्ट एम रिफ्रेक्टिव सर्जन वेलकम बैक टू अवर चैनल देखो आज दोस्तों मैं आपको ये वीडियो में जो में जो मेन टेक्नोलॉजीज आज की डेट में जो लेटेस्ट अवेलेबल हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं उनका क्या उनमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं उनमें क्या फर्क है और आपकी आइज़ के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर हो सकती है देखिए दोस्तों ये एक काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेरी रहती है लोगों के माइंड में कि सर की कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं जैसे सिल्क आ गई है और पहले की टेक्नोलॉजी थी जैसे कि कॉन्टूरा थी वर्सेस स्माइल टेक्नोलॉजी थी या फिर आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टेक्नोलॉजी इन सारी टेक्नोलॉजी में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है और इनका क्या बेसिक प्रिंसिपल है और कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी आईज के लिए बेटर रहेगी तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे तो दूसरी बात है कि दोस्तों आजकल ये बात तो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रही काफ़ी लोग देख रहे हैं कि स्पेक्समूवल जो सर्जरीज हैं वो बहुत ही कॉमनली की जा रही हैं बिकॉज कोई भी स्पेक्सूवल सर्जरी है उसने अपनी एफिकेसी को बना लिया है लोगों का ट्रस्ट पा लिया है और लोग चाहे वो अपने प्रोफेशनल के कारण चाहे वो नेवी आर्मी मिलिट्री में एडमिशन लेने के कारण या कोई अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के कारण या फिर कोई अपनी हॉबीज़ के लिए स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है या जिनको कोई एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमें स्पेक्स ना लगानी पड़े और हमारी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड ना रहे अब बस मेन क्वेरी यही रहती है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी से स्पेक्स रिमूवल करानी है तो दोस्तों आज की डेट में मेनली फोर टेक्नोलॉजीज हैं जो स्पेक्स रिमूवल के लिए आपको जो लेटेस्ट है जो कि जिनमें मेन कन्फ्यूजन रहती है उसमें एक आती है स्माइल टेक्नोलॉजी दूसरी आती है कॉन्टूरा विजन टेक्नोलॉजी और तीसरी आती है आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो एच डी वी टू पॉइंट ओ टेक्नोलॉजी और चौथी जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है उसका नाम है सिल्क टेक्नोलॉजी तो हम इस वीडियो में इन चारों टेक्नोलॉजी के बीच में हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और आपको इसकी सारी डिटेल्स के बारे में बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अब ये जो है ये चार टेक्नोलॉजीज जो हैं इसके अंदर जो स्माइल टेक्नोलॉजी है वो जाइस कंपनी जो कि एक जर्मनी की कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च की गई है और कॉन्टूरा विजन है वो एलकॉन यूएसए की कंपनी के थ्रू लॉन्च की है आई डिजाइन स्टूडियो 2.0 जो टेक्नोलॉजी है ये जॉनसन जॉनसन एंड विजन यूएसए की टेक्नोलॉजी है और सिल्क जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है वो भी जॉनसन एंड जॉनसन विजन जो कि यूएसए की कंपनी है उसी की टेक्नोलॉजी है तो अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कब लॉन्च हुई देखिए जो स्माइल टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च हुई थी टू में उसके बाद आई है कंटूरा विजन टेक्नोलॉजी जो टू में यूएसए में लॉन्च हुई थी उसके बाद आई है आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो जो कि uh, 2019 में लॉन्च हुई थी और एफ डी हुई थी और उसके बाद आई है जो लेटेस्ट अभी सिल्क लॉन्च हुई है जो कि सितंबर ट्वेंटी में लॉन्च हुई है उसके बाद करते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारा स्पेक्स का रिमूवल कैसे करती है देखिए दोस्तों कि जो हमारा जो स्माइल टेक्नोलॉजी जैसे कि हम जानते थे स्माइल और जो सिल टेक्नोलॉजी है वो मेनली जो स्पेक्स रिमूवल करती है वो हमारी कॉर्निया के अंदर एक पतला सा लेंटिक्यूल निकालते हैं हम पतली सी डिस्क निकालते हैं जो लेजर से बनती है और उसको हम माइक्रो यानी स्मॉल इन से निकालते हैं जिससे कि हमारा स्पेक्स रिमूवल होता है वर्सेज जो हमारी कॉन्टूरा और आई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम फेम टू लेजर से या तो हम फ्लैप बना के हमारी

कॉन्टूरा या फिर ईपीआई बोलते हैं आ, ये वाली चीज भी लोगों को नहीं पता कि कॉन्टूरा और आई डिजाइन में हम फ्लैपलेस भी करते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्टली एपिथिलियम को हटा के डायरेक्ट सरफेस एबलेजन करते हैं और ये भी आ, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट होता है उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इन सारी में रेंज ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर कौन कौन से टाइप का चश्मे का नंबर इन टेक्नोलॉजीज में हटता है देखिए जो स्माइल और सिल्क है ये माइनस की पावर यानी कि मायोपिया और सिलेंड्रिकल पावर यानी कि मायोपिक एस्टिकमेटिज्म इनके लिए अप्रूव्ड है या इन्हीं का ट्रीटमेंट कर सकती है वर्सेस जो हमारी कॉन्टूरा uh, और आई डिजाइन जो कि एक्साइमर लेजर और फ्रेंटो लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम माइनस और सिलेंड्रिकल पावर के साथ साथ हम हाइपर ओपिया कि प्लस पावर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो आज की डेट में स्माइल और सिल्क में अवेलेबल नहीं है उसके बाद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन देखिए ये जो पॉइंट है कि कस्टमाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बंदे की जो आइज होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है जैसे हमारे फिंगर होते हैं वो यूनिक होते हैं तो जो भी हमारा आइज का जो ट्रीटमेंट होता है आज की डेट में जो हमारे आइज का नंबर जो हम ट्रीट करते हैं वो खाली नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम वही हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा तो इसलिए हम सभी की आईज में कुछ हायर ऑर्डर एब्रेशन यानी कि इनरेगुलरिटीज होती है जो कि हमारे पूरे के पूरे विजुअल पाथवे में यानी कि कॉर्निया के आउटर सरफेस यानी कि आइस की जो आउटर सरफेस यानी कि काली पुतली या कॉर्निया पे भी हो सकते हैं जो हमारी आइस के अंदर वाले एरिया यानी कि लेंस या रेटिना के जो पाथवे है जिसको हम इनर एब्रेशन बोलते हैं उसमें भी हो सकते हैं जितनी ज्यादा एब्रेशन होती हैं उतनी ज्यादा हमारी जो आइज़ की जो विजन है वो उतनी क्लैरिटी ज्यादा डाउन होती है तो आज की डेट में अगर हम स्पेक्स के नंबर के साथ साथ इन हायर ऑर्डर एब्रेशन का भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी विजन और ज्यादा शार्प बनती है स्पेक्स से और ज्यादा बेटर बनती है और जिसको कि हम सुपर विजन कहते हैं तो अब इसी पॉइंट की बात करते हुए अब बात क्या है कि जो स्माइल टेक्नोलॉजी है वो खाली स्पेक्स पावर का ही ट्रीटमेंट करती है वर्से जो कॉन्टूरा विजन है जैसा कि हम जानते हैं उसके अंदर स्पेक्स पावर का भी ट्रीटमेंट होता है विजुअल एक्सिस का भी ट्रीटमेंट होता है प्लस हमारी जो है कॉर्निया की जो इरेग्युलरिटीज यानी कि पुतली के ऊपर जो भी रेगुलैरिटीज हैं उसका भी ट्रीटमेंट होता है इसलिए इसको टोपोग्राफी गाइडेड लेजर ट्रीटमेंट कहा जाता है वर्से जो आई डिजाइन टेक्नोलॉजी आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो है वो टेक्नोलॉजी में कंटूरा वाले फीचर्स यानी कि स्पेक्स रिमूवल विजुअल एक्सिस टोपोग्राफी गाइडेड कॉर्नियल इेगुलरिटीज का ट्रीटमेंट तो है ही है उसके अलावा इसके अंदर एक और एडवांस फीचर्स है जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर वेफ्रंट गाइडेड यानी कि हार्टमैन शार्क सेंसर्स के थ्रू ऑल इनर ऑकुलर एब्रेशन का भी साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि विजन की क्लैरिटी और बेटर देखी गई है वर्सेज जो सिल्क टेक्नोलॉजी आई है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये भी स्माइल का ही और एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि लेंटिक्यूल बेस्ड है इसके अंदर स्पेक्स रिमूवल के साथ साथ अभी हमारा विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट भी होता है आ, बट इसके अंदर और जो हमारी कॉर्निया की रेगुलरिटीज या फिर आई डिजाइन में जो हमारी वे गाइडेड ट्रीटमेंट वो सारे अभी हायर ऑर्डर एब्रेशन का ट्रीटमेंट अभी इसमें नहीं है अब हम बात करते हैं कि जो विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये हमारा जो सिल्क और स्माइल स्माइल के अंदर ये नहीं है वर्सेस जो कॉन्टूरा विजन और आई डिजाइन के अंदर ये है और कंप्यूटराइज्ड है वर्सेस जो सिल्क टेक्नोलॉजी में ये है बट मैनुअल है अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोटोर्शन कंपनसेशन देखिए दोस्तों इसके अंदर होता क्या है साइक्लोटो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम नॉर्मली जब भी हमारी टेस्टिंग होती है जब हम आइस का नंबर चेक करते हैं तो हमारा वो सारा जो भी आइस के टेस्ट होते हैं वो सिटिंग पोस्टर में होते हैं जब हमारा ट्रीटमेंट होता है तो हम वो लेट के होता है जब हम लेजर के नीचे लेटते हैं तो ये साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जब भी हम लेटते हैं तो हमारी जो आइज़ है यानी कि जो राइट आई है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है टू टू एट डिग्री और जो लेफ्ट आई है वो क्लॉक रोटेट कर सकती है टू टू एट डिग्री तक रोटेशन हो सकती है जिससे कि हमारा जो सिलेंड्रिकल पावर या सारे ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी पे इफेक्ट हो सकता है तो ये जो एडवांस मशीन्स हैं इनमें होता क्या कि जब भी हम लेटते हैं ये हमारे आइज की कितनी रोटेशन है उसके हिसाब से हमारी बीम को भी रोटेट करते हैं जिससे कि हमारी जो Uh, जो करेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होती है और विजन की क्लैरिटी और शार्प बनती है तो की बात करते हैं तो जो स्माइल के अंदर अवेलेबल नहीं है वर्सेस आई डिजाइन में भी अवेलेबल है और सिल्क में भी अवेलेबल है, है, है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एफडीए अप्रूवल का देखिए दोस्तों शुरू से हम ये चीज देखते आए हैं कि यूएसएफ डी ए अप्रूवड ही हमें टेक्नोलॉजी पे हमारा ट्रस्ट बना है क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी यूएस अप्रूव यूएस एफ डी अप्रूवल तब पाती है जब वो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी और कई सारी चीजों को पास करती है और यूएस में भी वो टेक्नोलॉजी तभी ही लॉन्च हो सकती है वहां की बड़ी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट रहती हैं तो स्माइल जो टेक्नोलॉजी है इट इज ऑल्सो यूएसएफडी अप्रूव इन ट्वेंटी सिक्सटीन अप्रूव हुई थी दो हजार बारह के बाद ये बट इसको एफ डी अप्रूवल मिलते मिलते दो हजार सोलह हो गया था कंटूरा टेक्नोलॉजी यूएस से एफ डी अप्रूवल लेके 2015 से ही लॉन्च हुई थी वहीं से ही आई थी जो आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टेक्नोलॉजी है यह भी पहले इसको यूएसएफ डी अप्रूवल मिला है कंप्लीट कम्पलीट यूएसएफ अप्रूवल मिला है फॉर टोपोग्राफी एंड वेफरेंट गाइडेड ट्रीटमेंट इन 2018 और उसके बाद ही ये लॉन्च हुई है पहले यूएस में लॉन्च हुई है और उसके बाद ये बाकी वर्ल्ड वाइड और इंडिया में आई है वर्सेज जो सिल टेक्नोलॉजी है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इस टेक्नोलॉजी को अभी अप्रूवल नहीं मिला है इस टेक्नोलॉजी को खाली अभी सीई अप्रूवल मिला है इंडिया में लॉन्च हुई है या कुछ एशियन कंट्रीज में लॉन्च हुई है अभी ये यूएस और मेजर यूरोपियन कंट्रीज में अभी ये लॉन्च नहीं हुई है इसकी एलिटा मशीन अभी लॉन्च नहीं हुई है इसको जो एफ डी अप्रूवल अभी लेजर फ्लैप के लिए मिला है फेम टो सेकंड लेजर फ्लैप के लिए मिला है बट अभी लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर के लिए अभी नहीं मिला है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एक एक और चीज आजकल लेटेस्ट आ रही है जैसे आपने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिश इंटेलिजेंस में क्या होता है कि काफी सारी चीजें जो लेजर है अपने हिसाब से आ, उसको मैन्यूपुलेट करती हैं और वो अपनी आइज के हिसाब से और बेटर ट्रीटमेंट करती है तो एक एक फीचर है कोजीन इफेक्ट जो कि एक टेक्निकल चीज है जिसके अंदर जो लेजर है हमारा जो सारा ट्रीटमेंट हमारे प्यूपिल के लेवल से कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली हमारे कॉर्निया के लेवल पे जाकर ट्रीट करती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारे फीचर्स से कंबाइन करके ये टेक्नोलॉजी या ये फीचर्स भी आज की डेट में खाली आई डिजाइन रिफ्रक्टिव दे स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं टिश्यू सेविंग देखिए कि टिश्यू सेविंग होता क्या है टिश्यू सेविंग होता क्या है कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का लेजर ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जितना ज्यादा हम नंबर ट्रीट करते हैं उसका मतलब है कि हमें उतना ज्यादा पेशेंट का कॉर्निया जो है वो हमें पतला करना पड़ेगा लेजर से घिसना पड़ेगा तो क्या होता है कि जैसे कि जितना मान लो किसी का नंबर तो ये जो टिश्यू सेविंग के अंदर क्या होता है कि हम कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर हम हाई नंबर भी ट्रीट कर सकते हैं और हमारा टिश्यू भी कम से कम ही कंज्यूम होता है जिससे कि हम कॉर्निया की जो मतलब कॉर्निया की बचत कर सकते हैं अगर जितना हमारा कॉर्निया बचा रहेगा उतनी ही हमारा कॉर्निया की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी और आइस की सेफ्टी ज्यादा रहेगी तो दोस्तों स्माइल और सिल्क इन दोनों में जो टिश्यू सेविंग होती है वो एज कंपेयर टू कंटूरा और आई डिजाइन रिलेटिवली कम होती है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम टिश्यू सेविंग टेक्नोलॉजी जो है वो आज की डेट में आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो है इसके अंदर हम एक ए सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एच प्लस ट्रीटमेंट करते हैं जो कि इवन अपटिल अगर कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो माइनस टेन और माइनस फोर सिलेंडर तक भी इजिली ट्रीटमेंट कर सकता है इसको अगर मैं और टेक्निकली समझाऊं कि जैसे सपोज अगर एक रफ आइडिया दूं कि अगर किसी का नंबर माइनस सेवन के साथ माइनस फोर सिलेंड्रिकल है तो स्माइल और सिल्क के अंदर अप्रोक्सीमेटली वन थर्टी माइक्रोन तक आपकी टिश्यू uh, कंज्यूम होगा उस नंबर को ट्रीट करने के लिए 130 थर्टी टू वन थर्टी फाइव माइक्रॉन वर्सेज हम अगर हम मैं आई डिजाइन टेक्नोलॉजी से करना चाहूं तो वो अराउंड एट्टी फाइव टू नाइनटी माइक्रॉन्स मतलब आप मान सकते हैं फोर्टी माइक्रॉन्स की सेविंग है जो कि एक बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज है तो अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कहां कहां पे यूज हो रही है वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस क्या है देखिए जो स्माइल टेक्नोलॉजी है अगर हम बात करते हैं इसकी यूजेज इन यूएसए वर्ल्ड वाइड तो इसकी यूएसए में भी प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड भी प्रेजेंस है बट लिमिटेड है ये अराउंड आई वुड से 5 टू 10 परसेंट ही इसकी लिमिटेशन है आज की डेट में वर्ल्ड वाइड कॉन्टूरा विजन यूएस में भी और वर्ल्ड वाइड में काफी वर्ल्ड uh, वाइड इसकी प्रेजेंस है और अच्छी प्रेजेंस है इसकी वर्ल्ड वाइड अब हम बात करते हैं आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो ये भी वाइड प्रेजेंट है इसकी जॉनसन एंड जॉनसन विजन की ये मेजर बहुत टाइम से यूज़ होने वाली ये सारी टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन होके और ये वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेजेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूएसए में आज की डेट में जो टॉप सेंटर्स हैं चाहे वो आप हर एक सिटी में चाहे लॉस वेगास लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क वहाँ के टॉप हॉस्पिटल्स सारी जगह ये वन ऑफ द मेन मतलब सेवेंटी सेंटर्स में ये मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि सिल्क अभी जो है वो अभी क्योंकि इट इज नॉट एफडी तो अभी ये यूएस में लॉन्च ही नहीं है तो आज की डेट में सिल्क इज नॉट प्रेजेंट अब यूजेज इन इंडिया के बारे में बात करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि स्माइल डेफिनेटली इंडिया में प्रेजेंट है और लिमिटेड है वही फाइव टू टेन परसेंट कहूंगा कॉन्टूरा विजन इंडिया में बहुत वाइडली प्रेजेंट है और काफी कॉमनली और अच्छे रिजल्ट दे रही है और यूज की जा रही है टू थाउजेंड में जब से इंडिया में आई है काफी प्रमोट की गई है और इसलिए लोगों का भी ट्रस्ट काफ़ी है और लोगों को आज की डेट में भी ये बहुत लेटेस्ट है और काफ़ी जगह ये यूज की जा रही है आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो जो जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया में यूज की जा रही है बट अभी भी काफ़ी सिलेक्टेड सेंटर्स में क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन ने ये टेक्नोलॉजी उन्हीं सेंटर्स में लॉन्च की थी जहाँ पे जो पहले इस जॉनसन एंड जॉनसन से एसोसिएटेड थे और वहीं उन्हीं सेंटर्स में इसलिए अभी ये सिलेक्टेडली बट यूएस में क्योंकि वो काफी प्रडोमिनेंटली यूज करी जा रही है वर्सेस अभी जो सिल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने काफी सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही इसको लॉन्च किया है और खाली इंडिया में और जैसा कि मैंने बताया इंडिया या सिंगापुर या कुछ एक दो ऑस्ट्रेलियन आई केयर सेंटर्स या इंस्टीट्यूट में ही अभी लॉन्च हुई है अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड डाटा की देखिए दोस्तों कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी लॉन्च होती है उसके बाद उस पर बहुत सारे रिसर्च होती है जितनी ज़्यादा वो आइज़ पे उसका जितने डॉक्टर उसको यूज़ करते हैं उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म डाटा इकट्ठा होता है जब हम मल्टी सा हर एक डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता थोड़ा डिफरेंट होता है और उसको कंबाइन करके एक इफेक्ट आता है और वो प्रेजेंट होता है तो लॉन्ग टर्म डाटा हमारे पास स्माइल का भी अवेलेबल है क्योंकि वो इतने सालों से यूज़ हो रही है कॉन्टूरा विजन का भी अवेलेबल है आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो का भी अवेलेबल है और ये अभी रिसेंटली मैं आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा जो कि अभी हमारी जो जो सबसे ज़्यादा एडवांस कॉन्फ्रेंस होती है पूरे वर्ल्ड की जिसको हम ए बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जो कॉन्फ्रेंस होती है यूएस में वहां पे अभी इसका डाटा प्रेजेंट किया गया था और ये बताया गया था कि इस टेक्नोलॉजी ने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए हैं आज तक और ट्वेंटी ट्वेंटी और 20 बाई ट्वेंटी से बेटर विजन मोर देन 90 पेशेंट्स में देखी गई थी वर्सेस जो अभी मैंने बताया क्योंकि सिल्क अभी बिल्कुल नहीं है इस पर कोई भी लॉन्ग टर्म डाटा वो अवेलेबल नहीं है और लास्ट में दोस्तों मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि रीट्रीटमेंट या पॉलिशिंग देखिए क्या होता है कि कई बार हम जब भी हम स्पेक्स का हमने एक बार स्पेक्सल हालांकि ये प्रोसीजर परमानेंट होता है और ये इसकी बहुत लॉन्ग टर्म एफिकेसी होती है बट कई बार ऐसा हो सकता है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपकी आइज में कुछ नंबर रह जाए या हीलिंग के कारण दोबारा जनरेट हो जाए या न्यू नंबर आ जाए तो सिल्क टेक्नोलॉजी वर्सेस और जो स्माइल टेक्नोलॉजी है यानी कि जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनमें अभी रीट्रीटमेंट नहीं हो सकता और कंटूरा और आई डिजाइन टेक्नोलॉजी में ईजिली रीट्रीटमेंट आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग सो दोस्तों टू समराइज बेसिकली ये हमारा एक एफर्ट था कि आपको ये जो चार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिटेल्स uh, में बताने का और इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी आईज़ के लिए बेस्ट रहेगी डेफिनेटली डॉक्टर टू डॉक्टर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ओपिनियन के बारे में और बट फिर भी जैसा कि मैं आपको यही है टू समराइज कि जो स्माइल टेक्नोलॉजी है अब उसके अंदर एक अपग्रेडेशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ सिल्क और इसलिए स्माइल टेक्नोलॉजी अब काफ़ी हद तक धीरे धीरे बिकॉज ऑफ़ दी डिलेड रिकवरी एंड उसके जो विजुअल जो क्लैरिटी थी उसको कम देखा गया इसलिए वो काफ़ी हद तक ऑप्सुलीट या कम होती जा रही है और सेकेंड आती है कॉन्टूरा विजन जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी अभी भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है आ, बट वो टेक्नोलॉजी आज की डेट में भी उन पेशेंट में जिनमें कॉर्निया की रेगुलैरिटीज़ ज़्यादा देखी जाती है उनमें और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है तीसरी है जो आई डिजाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो जो टेक्नोलॉजी वो जॉनसन एंड जॉनसन विजन की ही है जो यू की है और सबसे लेटेस्ट है और यू में आज की डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड है और मैक्सिमम पेशेंट में यूज़ की जा रही है और इसका डाटा भी काफ़ी अच्छे से लेटेस्ट प्रेजेंट हुआ है जो कि इसके रिजल्ट्स को भी और बेटर प्रूफ करता है और फोर्थ है जो सिल्क टेक्नोलॉजी है वो अभी न्यू है जॉनसन एंड जॉनसन विजन पे मैं बहुत ही ट्रस्ट करता हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये इस टेक्नोलॉजी में एफ अप्रूवल भी अब आ जाएगा कुछ टाइम में और ये अपने धीरे धीरे लॉन्ग टर्म रिजल्ट और उसको भी एफिकेसी को भी प्रूव करेंगे और डेफिनेटली सारी टेक्नोलॉजी की अपनी एक जगह है और हमें पेशेंट्स को कई बार सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस पेशेंट में हमें शायद सिल्क अच्छा लगे किस पेशेंट में हमें आई डिज़ाइन अच्छा लगे किस पेशेंट में हमें कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए और तभी हम पेशेंट को एक बेटर विजन एक बेटर आउटकम दे सकते हैं और यहीं पर ही एक डॉक्टर का भी रोल आता है कि जो उस पेशेंट की नीड्स के हिसाब से, से सिलेक्ट कर सके कि उसकी आइज़ को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो दोस्तों इसके अलावा आपको और भी कोई आपके डाउट्स होंगे तो आप हमसे ज़रूर पूछिए हम आपको उसके बारे में डेफ़िनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे धन्यवाद